नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल VM Tech Info में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय स्टेट बैंक का जो CSP पोर्टल है, इसके अंदर अभी दो बड़ी अपडेट आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी अपडेट है। इन दोनों अपडेट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि पहले अपडेट ये है कि अभी जो हम नए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसका जो मोबाइल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको अभी बदल दिया गया है और काफ़ी जटिल कर दिया है और वो ठीक से वर्क भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसके आप SMS भेज के इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, लेकिन SMS सक्सेसफुल हम सेंड कर लेते हैं कस्टमर के मोबाइल से, उसके बावजूद भी जो वेरीफाई नहीं हो रहा है वो फेल हो जाता हमारे सिस्टम में। आज मैंने 4-5 अकाउंट के लिए ट्राई किया था, एक भी अकाउंट है जो कि ओपन नहीं हुआ है, वो मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए अभी बैड न्यूज़ है, क्योंकि बैंक ने FIGS का नया सिस्टम जो शुरू किया है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वाला, ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि पिछले तीन दिन से, जब से ये चालू हुआ है तब से तीन दिन से अकाउंट है जो कि ठीक तरीके से ओपन नहीं कर पाए। एक आध अकाउंट भले ही ओपन हो जाता है लेकिन नहीं हो रहे हैं अकाउंट ओपनिंग, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की, जो कि बहुत ही अच्छी और गजब की अपडेट है जो बैंक ने शुरू की। ये हमारे लिए राहत की खबर है, क्योंकि दोस्तों बैंक हमें बार बार, बैंक और कंपनी हैं जो कि हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए हमें प्रेशराइज करते हैं या फिर हमें टारगेट देते हैं कि आपको जल्दी करना है, इतना इस महीने में करो। जो हमारा टारगेट होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम का, इसको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण ये होता था कि हमारे पास आने वाले कस्टमर जिनके पास उनका खाता नंबर नहीं होता था, क्योंकि वो आधार कार्ड से लेन देन करते हैं, ज़्यादातर कस्टमर हैं जो कि आधार से ही लेन देन करते हैं और वो आधार कार्ड लेकर ही हमारे सेंटर पर आते हैं। तो ऐसे में अगर उनके पास अकाउंट नंबर नहीं होते हैं तो फिर हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका नंबर निकालना करना ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था। इस वजह से हम ये झंझट मारे नहीं करते थे और कस्टमर को, जिस जो खाता नंबर वाला कस्टमर आ जाता था तो उसके एक आध दो का हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर एनरोलमेंट कर लेते थे, लेकिन अब हैं जो कि हम आधार कार्ड से ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम के एनरोलमेंट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। तो दोस्तों, आज जो है इसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको आज का रिजल्ट बताता हूँ कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम आधार से एनरोलमेंट जो शुरू हो चुका है तो उसके बाद उसका नतीजा क्या है, हमारा जो एनरोलमेंट का है जो ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रहा है। अब हम नए कस्टमर के जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एलोमेंट कर रहे हैं तो वो हम आसानी से कर पाते हैं। तो इसका जो प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही आज मैंने कितने हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एलोमेंट किया है ये भी हम देखते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट की ये जो मेरी रिपोर्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर 25/8/2023, तो आज के दिन की जो करंट डे की रिपोर्ट है वो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पर कुल कुछ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 94 ट्रांजेक्शन हुए हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हम लगा देते हैं फिल्टर और देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि आज कितनी हमारी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो हम कस्टमर एनरोलमेंट फॉर SSSP क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड से जब से शुरू हुआ है, कल से शुरू हो चुका है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर एनरोलमेंट के लिए, तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना गजब का है। तो अब हमें जो कि हमारे कस्टमर का जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर, हम पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा बैंक ने नया अपडेट दे दिया है, लेकिन जो मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन वाला है ये तो दोस्तों हमारे लिए सरदर्द बन चुका है। तो एक अच्छी न्यूज़ है और दूसरी है जो हमारे लिए बुरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम आज की डेट के अंदर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 20 रुपये वाला बीमा है वो हमने यहाँ पर लगभग टोटल हमने 17 किए हैं, 17 में से 2436 वाला है उसमें एक फेल हो चुका था, क्योंकि उस कस्टमर के अकाउंट में हॉल्ट लगा हुआ था, इस वजह से नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक है जो कि 6 हमने कर दिया, तो कुल 15 हमने यहाँ पर 20 रुपये वाले बीमे हैं जो कि दुर्घटना बीमा है वो हमने कर लिया है, और दूसरा वाला है जो 436 वाला है वो हमने एक बीमा कर लिया है आज की डेट। तो एक दिन के अंदर 15, 16, 17 अगर आप बीमा कर लेते हैं तो महीने का आप देख सकते हैं कितना टारगेट हमारा जा सकता है। तो ये है हमारे लिए अच्छी न्यूज़। और बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी ने अकाउंट ओपन किए हैं ठीक तरीके से अगर हो रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैंने तो आज भी ट्राई किया है
परसों मैंने ज़रूर दो अकाउंट ओपन किए हैं, लेकिन उसके बाद है जो कि अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं। SMS ठीक तरह से पूरी मतलब देख लेते हैं कि कस्टमर के मोबाइल में बैलेंस है, हम उसी मोबाइल से SMS सेंड कर रहे हैं, SMS सक्सेसफुल सेंड भी हो रहा है, इसके बावजूद भी जो आगे जाके वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो ये बैंक की कोई तकनीकी समस्या है, तो बैंक इस चीज़ पे टेक्निकल टीम है ज़रूर ध्यान दे और ये हमारा जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्द सॉल्व करें। इस वीडियो को आप हमारे अधिकारियों तक भी ज़रूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपके पास कोई सजेशन है, हिंट है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।